सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपा डेसिला बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं अपने घर के फ्रंट गार्डन में एक लटकती हुई सुंदर सी बेल के सामने, फ्लावरिंग बेल के सामने खड़ी हूँ और इस प्लांट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आजकल ये जो प्लांट है ये फ्लावरिंग कर रहा है, तो बहुत ही सुंदर आकर्षक लटकती हुई बेल है। और देखिए कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल सेहरा बेल, जैसे दूल्हा सेहरा पहना रहता है तो उसमें जो लटकन होती है उसकी तरह ये लटक रहा है। तो इतनी सुंदर बेल है और इस बेल का नाम है स्कारलेट क्लॉक वाइन, इंडियन क्लॉक वाइन के नाम से भी यह बेल जानी जाती है। और इसका वानस्पतिक नाम है थुनवर्जिया कोकिनिया, थुनवर्जिया कोकिनिया के नाम से यह बेल जानी जाती है। और इसकी फैमिली है एकेंथेसी फैमिली, एकेंथेसी फैमिली का यह मेंबर है। और देखिए इसमें इसके लीफ से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। इसके लीफ के एजेज जो है ये कांटेदार एजेज हैं इसके लीफ के। एक लीफ मैंने यहाँ पर ले रखी है, देखिए ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की लीफ है। इसका साइज मैंने नापा हुआ है 27 सेंटीमीटर ये लीफ है। इसके एजेज जो हैं इसके किनारे बिल्कुल कांटेदार है, कटीला। और इसमें ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का है, ओवल शेप्ड अंडाकार त्रिकोणी ये लीफ है। 20 से 27 सेंटीमीटर तक लीफ की लंबाई होती है इसमें। और इसका स्टेम देखें, ये स्टेम जो है यहाँ से देख लेते हैं, ज़्यादा उड़ी नहीं होता है इसका स्टेम। और इसमें नोड है, इंटरनोड है, जैसे ये नोड है, एक नोड है, एक नोड है, ये नोड के बीच की दूरी जो होती है इंटरनोड इसे कहते हैं। अब इस नोड की बात करें तो ये एक इसका डेवलपमेंटल और ग्रोथ वाला एरिया होता है। इस यहाँ से लीफ निकलती हैं, सेल्स की ग्रोथ डेवलपमेंट, लीफ की ग्रोथ डेवलपमेंट होता है इससे। और अगर हम इसकी कटिंग लगाएं तो इसको मॉनसून सीजन में और स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग लगानी चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से ये लगता है। तो यहाँ पर मानसून सीजन में यहाँ से दो या तीन नोड आप इसको कट कर दीजिए और इसको आप किसी गमले में जहाँ पर अच्छी मिट्टी खाद है वहाँ पर रोप दीजिए। तो थोड़े दिनों में इसमें जो आएंगी रूट आपकी निकल आएंगी, तो उसको फिर दोबारा आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस फ्लावर को, इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। यह एक पेरिनियल प्लांट है, बेल है। लगभग इसकी हाइट 6 से 8 मीटर ऊपर जाती है और इसके फैलने के लिए बहुत अधिक अगर स्पेस मिल जाए तो इस प्रकार की ये बेलें बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए इस प्रकार से लटकती हुई बेल है, सेहरा बेल, इसीलिए इसको सेहरा बेल के नाम से भी जानते हैं। ये सेहरे की तरह बिल्कुल लटक रही है। और इसमें जो ये प्लांट है, इसमें ये पेरिनियल प्लांट है, इसमें एक हफ्ते में दो बार आप पानी डाल दीजिए, सालों साल आपको ये फ्लावर देता रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा फैलने की जगह नहीं है तो हम इसको कट कर देते हैं, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता। ये एक साल की ग्रोथ इसमें लगभग दिखा रखी है और बार बार हम इसको कट करते रहते हैं। ये देखिए, ये जो बेल है, जो ये इसके लटकन है, घड़ी के पेंडुलम की तरह भी ये कार्य करता है। देखिए इसमें ये दूर से दिखाइए, हाँ ये, अब ये इसकी जो लंबाई है, अभी तो ये इसकी छोटी बेल है, ये इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक इसकी ग्रोथ हो जाती है। और लटकते लटकते ये ज़मीन को टच कर देते हैं और इसके फ्लावर देखिए नीचे ज़मीन पर भी गिरे हैं। ऊपर से इसकी बात हम यहाँ पर इधर दिखाइए, हाँ यहाँ से फ्लावरिंग होते रहती है और नीचे गिरते रहते हैं, लास्ट में टिप तक पहुँचने तक यहाँ पर फ्लावर्स, तो तब तक ये बेल 1 से 1.5 मीटर तक ग्रोथ ले लेती है। और इसके फ्लावर की बात करें, इसका फ्लावर दिखाइए, ये फ्लावर है। और यहाँ पे जो इसकी फ्लावर है, इसका फ्लावर है ये ऑरेंज कलर का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सनी एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा वार्म एरिया होता है
तो इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं, और जहाँ पर ठंडा एरिया है वहाँ पर रेड कलर का फ्लावर होता है। तो ये टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन सभी में ये प्लांट लग जाता है। अगर हम इस प्लांट को थोड़ी धूप थोड़ी छाया वाले इलाके एरिया में भी लगाएं तो ये अच्छे से खिल लेता है, और सनी एरिया में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके फ्लावर को देखिए, ये सबसे बाहर जो कैलिक्स है, दिखाइए, ये सबसे बाहर जो कैलिक्स है, जो वाह्य दल है, बिल्कुल जो अंदर ये ट्यूब है कोरोला की, इसको एक अंगूठी की तरह इसने, इसके फ्लावर को देखें तो ऑरेंज कलर का है, और ये बाहर से जो है इसने कैसा पहन रखा है, जैसे अंगूठी पहन रखी होगी, पंखुड़ी जो ट्यूब है इसने बाहर से, जो वाह्य दल है उन्होंने अंगूठी की तरह इसको बिल्कुल घेर रखा है। और इसमें दो लोब हैं, जो नीचे वाला लोब है, नीचे वाला होंठ, इसमें तीन इसमें पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3, और ऊपर वाले होंठ में इसमें 2 पंखुड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से अंदर से इसका सेक्सुअल पार्ट भी दिखाई दे रहा है, और अंदर यहाँ पर इसमें देखें तो ये पुंकेसर असमान दिखाई दे रहे हैं, 4 पुंकेसर हैं, ये देखिए ये 4 पुंकेसर हैं, ये इस प्रकार से ये बिल्कुल इससे चिपके हुए हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं इससे बिल्कुल चिपके हुए हैं। जब फ्रूटिंग होती है तो वो फ्रूट कैसा होता है, बिल्कुल कैप्सूल कैप्सूल की तरह ये फ्रूट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फिर इसके बाद अगर ये फ्रूट को हम अपने आप जब मैच्योर हो जाता है तो अपने आप ये खुल जाता है, और इसमें जो सीड्स होते हैं फ्रूट में बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर के हुक शेप्ड हुक के आकार के ये फ्रूट होते हैं, इसमें हुक के आकार के बीज इसमें दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट के अंदर बीज दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, इसमें मैं एक बार पकड़ के दिखाई देख लेते हैं, तो इसमें ये देखिए, ये इसमें हुक के आकार के बीज इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के। तो ये अपने आप यहाँ पर कैप्सूल मैच्योर होने के बाद खुल जाते हैं, और फ्रूट और बीज ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बेल बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लगती है। लगभग अगर ये फ्लावरिंग करने लग जाए तो 4 महीने तक ये बिल्कुल फ्लावर देते रहती है, 4 महीने तक फ्लावरिंग इसमें होते रहती है। इसमें जो फ्लावरिंग का टाइम है वो स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी विंटर सीजन है, तो ये विंटर सीजन में अभी लगभग इसको 2.5 महीना हो गया है, और वो अभी चलते रहेगी। तो इस प्रकार से इसके अगर इसके हम औषधि गुण देखें तो इसका यूज होता है ये लीफ का, और इसमें जो स्टेम है और रूट है, ये औषधि के रूप में एंटी पायरेटिक, एंटी डायबिटिक, एनाल्जेसिक, और कभी कभी आपको अगर थोड़ा सा फीवर है तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।